दैट्स हाउ मैग्नेट्स वर्क. सी मैग्नेट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. पहली चीज दैट वी हैव टू नोटिस अबाउट मैग्नेट इज दैट दिस स्टिक टू ईच अदर. ये हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि मैग्नेट्स स्टिक टू ईच अदर और सम ऑब्जेक्ट्स या तो एक दूसरे से चिपकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को चिपक जाते हैं. अब ये कुछ पिक्चर्स हैं नीचे दिए गई हैं. अब वो बस ये पूछ रहा है कि बताओ राइट एम अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट यू वुड थिंक वुड स्टिक टू अ मैग्नेट. आपको क्या लगता है ये चीज़ मैग्नेट से स्टिक करेगी या नहीं. दैट इज ओके. पहले हम पढ़ें तो सही मैग्नेट होता क्या है, बाद में इसको करेंगे. डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत देर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. बहुत सारी स्टोरीज हैं जबकि मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ था. इट वॉज सो लॉन्ग अगो. बहुत पुरानी बात है एंड नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड. लेकिन प्रॉपरली किसी ने भी उस चीज़ को लिखा नहीं है. वेल डॉक्यूमेंटेड का मतलब होता है प्रॉपरली लिखा गया नहीं है. दैट पीपल डू नॉट नो फॉर श्योर बट अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर स्टोरी. लोगों को नहीं पता है इसके बारे में पर एक पॉपुलर स्टोरी कहती है दैट मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड बाई अ ग्रीक शेपर्ड नेम बैगनीज. मैग्नेट किसने डिस्कवर किया था? ग्रीक शेपर्ड नेम मैगनीज. मैगनीज इट इज सेड दैट द नेल्स इन हिज शूज. उसके शूज में क्या थे? नेल्स. क्या थे नेल्स? क्या होते हैं? कीले. नेल्स इन हिज शूज एंड द आयरन टिप ऑफ हिज स्टाफ. व्हाट इज द स्टाफ? छड़ी. जो छड़ी होती है उसके नीचे, उस छड़ी के नीचे आयरन टिप थी. क्या थी? आयरन था नीचे. क्या था? आयरन था. तो उसके नेल्स जो थे जूते के अंदर जो नेल्स थे और वो जो आयरन टिप था ऑफ द स्टाफ दे गॉट स्टक. वो चिपक गए. क्या चिपक गए? टू अ लार्ज ब्लैक रॉक. क्या चिपक गए? दो चीजें चिपक गई. एक तो उसके जो नेल्स थे वो और उसके जूते के टिप में जो आयरन था. क्या था? वो एक बड़ा पत्थर था, लार्ज ब्लैक कलर का रॉक. तो वो भी मैग्नेट का काम कर रहा होगा ना, तभी तो उसको स्टिक हो गए. वो भी मैग्नेट का काम कर रहा होगा ना. तो द ब्लैक लार्ज ब्लैक रॉक ऑन विच ही वॉज स्टैंडिंग. ग्रीक्स नेम दिस स्ट्रेंज टाइप ऑफ रॉक मैग्नेटाइट. ग्रीक्स ने इसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया. द चाइनीज ऑल्सो न्यू अबाउट मैग्नेट्स. चाइनीज को भी मैग्नेट्स के बारे में पता था. एंशियंट चाइनीज सेलर्स. क्योंकि पुराने ज़माने में एंशियंट चाइनीज सेलर्स, पुराने ज़माने में जो सेलर्स थे वो मैग्नेट्स यूज़ करते थे नेविगेशन के लिए. नेविगेशन मतलब सी में जब वो जाते थे तो रास्ता पता करने के लिए वो मैग्नेट यूज़ करते थे. तो चाइनीज को भी इसके बारे में अंदाज़ा था. नाउ मैग्नेट्स. अब मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज आयरन कोबाल्ट एंड निकल. फिल इन द ब्लैंक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैग्नेट कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है? वो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज आयरन कोबाल्ट एंड निकल. कुड यू प्लीज ऑल ऑफ यू रिपीट 5 times? आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकल. अगेन बोलो. कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल. आयरन, कोबाल्ट, निकलेट. आयरन, कोबाल्ट, निकलेट. आयरन, कोबाल्ट, निकलेट. आयरन, कोबाल्ट, निकल. आयरन, कोबाल्ट, निकल. बोल रही हूँ मैं यार, उसका टेस्ट देना. डोंट डिस्टर्ब. ठीक है. तो मैग्नेट्स कम इन वेरियस शेप एंड साइजेस. मैग्नेट्स अलग अलग शेप और अलग अलग साइज में आते हैं. दे कैन बी फाउंड इन द शेप ऑफ द हॉर्सशू. व्हाट इज अ हॉर्सशू? जो हॉर्स के नीचे होते हैं. हॉर्सशू इज अ वो हॉर्स को बनाते हैं. हाँ, वो हॉर्स को बनाते हैं. यू शेप का बनाते हैं ना, उसके पीछे उसके लगा होता है. इन द शेप ऑफ अ हॉर्सशू, अ रिंग, अ सिलेंड्रिकल और अ बार. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैम पूछेगी मैग्नेट्स कौन कौन सी शेप में पाए जाते हैं? हॉर्सशू, रिंग, सिलेंड्रिकल और बार. फोटोज आप बुक में एक बार देखें तो आपको फोटोज नजर आएंगी. हॉर्सशू, रिंग, सिलेंड्रिकल और बार. प्लीज रिपीट. हॉर्सशू, रिंग, सिलेंड्रिकल, बार. हॉर्सशू, रिंग, सिलेंड्रिकल, बार. हॉर्सशू, रिंग, सिलेंड्रिकल, बार. हॉर्सशू, रिंग,
सिलिंड्रिकल बार। ठीक है, नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ये कुछ कुछ होते हैं जो हमने अभी पढ़े थे, कौन से चार पढ़े थे मुझे याद नहीं बताएं। हॉर्सशू, रिंग, सिलिंड्रिकल बार, ये तो शेप है उसका, क्या है शेप, हमने अभी पढ़ा था ना कुछ सब्सटेंस, आयरन, निकल्ट एंड कोबाल्ट, धीरे, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये सब अट्रैक्ट होते हैं। मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर सेड टू बी मैग्नेटिक, क्लियर, एग्जाम्पल आयरन एंड निकल मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, इसे हम उसे मैग्नेटिक कहते हैं। मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल नॉन मैग्नेटिक, जैसे वुड अट्रैक्ट नहीं होता, प्लास्टिक अट्रैक्ट नहीं होता। एम टू फाइंड आउट विच मटीरियल्स गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स एंड विच डू नॉट, सो मटीरियल्स दैट यू नीड आर अ मैग्नेट, प्लास्टिक, पेन कैप्स, मेटल सेफ्टी पिन्स, यू मस्ट हैव सीन दैट मेटल का सेफ्टी पिन्स, इफ नॉट गो ऑन गूगल एंड सर्च, कॉइन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, अलग अलग कॉइन, 50 पैसा, 1 पैसा, 5 रुपीज कॉइन, पेंसिल, इरेजर, बुक, पोर्सलिन कप, स्टेनलेस स्टील कीज आइटम्स, ये सब ये लोग अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, अब इनके पास आपको सब एक मैग्नेट को होल्ड करना है और बस देखना है क्या ये उनके पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि प्लास्टिक पेन का जो कैप है, जो पेंसिल है, जो इरेजर है, जो बुक है, जो पोर्सलिन कप है, जो एक चाइनावेयर का कप आता है, वो अट्रैक्ट नहीं होते है। ना पेंसिल अट्रैक्ट होती है, ना कैप अट्रैक्ट होता है, ना इरेजर, ना बुक, ना पोर्सलिन कप अट्रैक्ट होता है। वाइल मटेरियल सच एज मेटल सेफ्टी पिन्स, मेटल के सेफ्टी पिन, कुछ कॉइन्स, सर्टेन कॉइन्स, स्टेनलेस का स्पून, स्टेनलेस स्टील, जिस स्टील से हम स्पून से रोटी का सब्जी खाते हैं, एंड कीज, चाबियाँ भी अट्रैक्ट होती हैं। इसका मतलब क्या है, प्लास्टिक, पेपर, वुड, रबर एंड पोर्सलिन आर नॉट मैग्नेटिक, वायरस, मटीरियल सच एज, कौन कौन सा मैग्नेटिक, सेफ्टी पिन, और ये सारे मैग्नेटिक हैं। अब पोल्स ऑफ अ मैग्नेट के बारे में सुनेंगे। When magnetic materials such as iron fillings, iron fillings देखिए आप सब जो चीज़ों के अंदर iron की fillings होती हैं, जिसमें iron की वो वाली FILLINGS fillings, ये FILLINGS है, they are brought close to the magnet, कोई भी magnetic material को जो हम magnet के पास लाते हैं, they do not stick evenly to all the parts of the मैग्नेट, इक्वल स्टिक नहीं होते हैं, इक्वल स्टिक नहीं होते, इसे हम इवनली कहते हैं, क्या कहते हैं, दे डू नॉट स्टिक इवनली टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट, मोस्ट ऑफ देम स्टिक ऑन ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट, कुछ कुछ हिस्सों पे ही स्टिक होते हैं सर्टेन पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, दीज आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैग्नेटिक फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स, मैग्नेटिक फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स, फॉर एग्जाम्पल टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर इट्स पोल्स, आपने अगर बार मैग्नेट देखा हो, सिंपल सा मैग्नेट होता है, उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो उसके पोल्स होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्स इन एवरी मैग्नेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी शेप हो, मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, क्या होते हैं, टू पोल्स, बाई दीज आर बाई कन्वेंशन, नाम इनका दिया हुआ है नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ की तरफ है, और साउथ पोल, जो साउथ की तरफ है, द टू पोल्स कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अगर आप अकेला उनको इंडिपेंडेंट कर दो तो वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे, वो मैग्नेट बनेगा ही नहीं, वो मैग्नेट बनेगा ही नहीं, सो मैग्नेट बनने के लिए इट शुड हैव टू पोल्स, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट दे ऑलवेज कम इन पेयर्स, दे ऑलवेज कम इन पेयर्स, इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट वी वुड गेट टू पीसेस ईच हैविंग अ नॉर्थ पोल एंड, अगर हम मैग्नेट को भी टेयर करोगे, मैग्नेट को भी तोड़ोगे तो हमें टू पीसेस मिलेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वी कुड गो ऑन ब्रेकिंग द मैग्नेट इनटू स्मॉलर 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 पीसेस बट एवरी टाइम वी वुड गेट बोथ द पोल्स इन ईच ऑफ द पीस, ओके। नाउ अब कैसे, हियर देयर इज एन एक्टिविटी दैट टेल्स यू टू फाइंड द पोल्स इन द मैग्नेट, टू फाइंड द पोल्स, आयरन फिलिंग्स, जो पाउडर्ड आयरन है उसे आयरन फिलिंग्स कहते हैं,
पाउडर्ड आयरन को हम आयरन फिलिंग्स कहते हैं। एक मैग्नेट, अ स्मॉल शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन एंड अ शीट ऑफ वाइट पेपर। अब इन्होंने क्या करा है, वाइट पेपर के ऊपर दे हैव स्प्रेड द आयरन फिलिंग्स, ठीक है। नाउ दे हैव रैप द मैग्नेट इन द पॉलिथिन शीट एंड देन ट्राई टू रन इट ऑन द आयरन फिलिंग्स। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स विल स्टिक टू टू पोर्शंस ऑफ द मैग्नेट। कंक्लूजन, द टू पोर्शंस ऑफ द मैग्नेट वेयर मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक आर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। फिर भी स्टिक हुई है, उन्होंने मैग्नेट को पॉलिथिन शीट से रैप किया है, फिर भी वो स्टिक हुआ है। यूजिंग अ मैग्नेट टू फाइंड द डायरेक्शंस, इफ अ मैग्नेट इज अलाउड टू मूव फ्रीली, एनीबडी हु इज नॉट स्टैंडिंग विल बी पनिश्ड हियर एंड देयर। इफ अ मैग्नेट इज अलाउड टू मूव फ्रीली इट कम्स टू रेस्ट इन अ डायरेक्शन वेरी क्लोज टू द नॉर्थ साउथ direction. Yes. If you don't hold the magnet and you let it come at rest, then it will automatically come to north and south pull position or direction. This property of a magnet was used to find directions on the surface of the earth by the travelers. Why? Because automatically it rested on the north-south direction. An instrument with a magnet which is used to find directions is called magnetic compass. Now, what is a magnetic compass? Very important. A magnetic compass, start writing the answer 5 times. The two portions of a name. What is a magnetic compass? An instrument with a magnet which is used to find directions. An instrument with a magnet which is used to find directions is called magnetic compass. A magnetic compass is usually a small box with a small magnetic needle. आपने सबने देखा है, नहीं देखा तो इंटरनेट पर देख लो क्या होता है मैग्नेटिक कंपास। एक स्मॉल बॉक्स होता है और उसके अंदर मैग्नेटिक नीडल होती है एट द सेंटर। सेंटर पे नीडल होती है और एक क्या होता है, बॉक्स होता है। दिस नीडल अपने आप फ्रीली रोटेट करती है एंड ऑलवेज पॉइंट इन द अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। Always points in the north-south direction. Different directions, north, south, east, west are marked on the compass. Now you have a figure also, you can look into the book or Google पे भी आप देख सकते हो direction जो हमेशा north-south होता। The compass is rotated till the north marking coincides with the end of the needle pointing north. Very important. ये क्या कहना चाहते हैं? The compass is rotated. रोटेट का मतलब घुमाया जाता है टिल द नॉर्थ मार्किंग। नॉर्थ मार्किंग जो होती है इट कोइंसाइड्स, वो ऊपर आ जाती है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आना। कोइंसाइड। देखो वोकैबुलरी वर्ड की मैं प्रैक्टिस कैसे करती हूँ। आप ग्रो हो रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, आपकी बुक में हर चैप्टर में कुछ नई वोकैबुलरी आती है। उस वोकैबुलरी को अगर आप ड्रॉप डाउन कर दोगे, मतलब चैप्टर समझ जाओगे, वोकैबुलरी को छोड़ दोगे, चैप्टर समझ जाओगे, वोकैबुलरी को छोड़ दोगे, आप कभी भी अपने आप को हायर लेवल या आपकी वोकैबुलरी कभी भी हमेशा किडिश लगेगी। क्या लगेगी? क्योंकि एवरी चैप्टर हैज़ अ वेरी गुड वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू द एज यू आर, राइट, द बुक यू आर स्टडिंग। सो ऑलवेज प्रैक्टिस द वोकैबुलरी इन वेदर इट इज साइंस, SST, इंग्लिश और एनी हिंदी, एनी ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप वोकैबुलरी नहीं करोगे तो जब भी आप बोलोगे, कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करोगे, कभी स्कूल में किसी से भी बात करोगे, तो आपकी इंग्लिश बहुत किडिश लगेगी। क्या लगेगी? क्योंकि फर्स्ट टाइम की लगती है ना, आई सी, आई टॉक, आई वॉक, कितना गंदा लगता है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या बताया था, रोटेट करना। क्या बताया था? कोइंसाइड करना। कब तक? टिल द एंड ऑफ द नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ। वो जो नीडल है उसकी प्रॉपर नॉर्थ की तरफ ना आ जाए। क्या ना आ जाए? द डिजायर्ड डायरेक्शन इज रेड ऑन द कंपास, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो डिजायर्ड है, डिजायर्ड मतलब जो हमारा मन है, जो हम फिर हमको जो डायरेक्शन देखना है, डिजायर्ड मतलब जो हमारी इच्छा है, वो डायरेक्शन को हम कंपास के ऊपर रीड करते हैं। ऐसे कितना अच्छा बोला, जो हमारा मन है उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, डिजायर्ड। डिजायर्ड मतलब मानो मैं ईस्ट में खड़ी हो गई तो फिर मैं ईस्ट को देखूंगी, क्योंकि कंपास अपने आप ईस्ट ही दिखाएगा ना। अगर नॉर्थ साउथ दिखाएगा तो पता चल जाएगा ईस्ट और वेस्ट कौन सा। अगर मैं यूं खड़ी हूँ और वो यूं नॉर्थ साउथ दिखा रहा है, मतलब ये ईस्ट वेस्ट हो गया ना। तो इस तरीके से हमें डिजायर्ड डायरेक्शन पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? डिजायर। नाउ द अर्थ जियोग्राफिकल पोल्स एंड द मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट द सेम। वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ के
खुद के अर्थ का भी हमें पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जिसे जियोग्राफिकल पोल्स कहते हैं, और मैग्नेटिक पोल्स हमेशा सेम नहीं रहते. द मैग्नेटिक पोल फाउंड डीप इनसाइड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ इज अ साउथ टाइप मैग्नेटिक पोल एंड द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इज जियोग्राफिकल जियोग्राफिक साउथ पोल. इसको ब्रेक करते हैं. बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दो सेंटेंस में बताने की कोशिश कर दी है. द अर्थ्स जियोग्राफिकल पोल्स एंड द मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट द सेम. अर्थ के जियोग्राफिकल पोल्स और अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स सेम नहीं है. देखो मैं सेंटेंस को कैसे ब्रेक करती हूँ. नहीं समझ आने पर भी आप कम से कम ये तो समझ ही पाओगे कि लिखा क्या है. अर्थ के जियोग्राफिकल पोल्स और अर्थ के मैग्नेटिक पोल सेम नहीं हैं. द मैग्नेटिक पोल, अर्थ का मैग्नेटिक पोल हमें कहाँ मिला? वेयर डिड वी फाइंड इट? डीप इनसाइड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. डीप इनसाइड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज अ साउथ टाइप मैग्नेटिक पोल. साउथ टाइप मैग्नेटिक पोल मैम ने उल्टा सीधा बताया था ना. बताया था ना कि अर्थ का नॉर्थ यहाँ का साउथ है. बताया था कि नहीं बताया था? क्या बताया था तुमसे मैम ने? मैम की जो मैग्नेटिक पोल, जो अर्थ का नॉर्थ और पोल है वो मैग्नेटिक मीन्स नॉर्थ, अर्थ का जो पोल्स है वो बताती हूँ. हाँ, द मैग्नेटिक पोल फाउंड डीप इनसाइड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो मैग्नेटिक पोल है, जो मैग्नेटिक पोल है इज अ साउथ टाइप मैग्नेटिक पोल. वो साउथ टाइप है. क्या है? साउथ. एंड द अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज जियोग्राफिकल साउथ पोल. क्या बोल रहे हैं? जियोग्राफिकल साउथ पोल. जो नॉर्थ पोल है अर्थ का, जो नॉर्थ पोल है अर्थ का वो जियोग्राफिकल साउथ पोल है. और जो मैग्नेटिक पोल है, क्या है? नॉर्थ, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो क्या है? वो साउथ है, वो ऑपोजिट है. क्या है? दो पोल्स होते हैं ना, एक जियोग्राफिकल और एक मैग्नेटिक. क्या होते हैं? जियोग्राफिक और एक मैग्नेटिक. तो जो मैग्नेटिक पोल है जो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, डीप इनसाइड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या मिलता है? डीप इनसाइड इज अ साउथ टाइप मैग्नेटिक पोल. क्या है? और द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज जियोग्राफिक साउथ पोल. तो आपको ये समझ, बस इतना समझना है कि थोड़ा उल्टा फुलटा होता है. वापस पढ़े. द अर्थ जियोग्राफिकल पोल्स एंड द मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट द सेम. अर्थ के जियोग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल सेम नहीं. द मैग्नेटिक पोल कहाँ फाउंड हुआ? डीप इनसाइड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. मैग्नेटिक पोल जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिला हमें. कहाँ मिला? डीप साइड से हटा देते हैं हम इसको, ईजी कर रहे हैं फिलहाल समझने के लिए. मैग्नेटिक पोल हमें कहाँ मिला? डीप इनसाइड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ का तो हमें पता है. ऑफ द अर्थ भी हटा देते हैं. तो मैग्नेटिक पोल हमें कहाँ मिला? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. मैग्नेटिक पोल हमें कहाँ मिला? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और वो साउथ टाइप मैग्नेटिक पोल है. वो क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें जो पोल मिला वो साउथ टाइप मैग्नेटिक पोल है. क्या मिला? साउथ टाइप. और एंड द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज जियोग्राफिकल एंड द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या है? जियोग्राफिकल साउथ पोल. आगे पढ़ेंगे समझ आ जाएगा. नाउ एक और एक्टिविटी है, इसमें पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं. टू प्रूव दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर देखो, फ्रीली मतलब खुला छोड़ दो, सस्पेंड मतलब लटका दो. क्या कर दो? सस्पेंड मतलब छोड़ दो. क्या कर दो? छोड़ दो. हमेशा अलाइन मतलब जब वो स्ट्रेट हो जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही ले. इसलिए ना रूलर लिया है, वुडन स्टिक लिया है, कोई बुक ली है, कोई टेबल ली है, कोई बार मैग्नेट लिया है, कोई स्ट्रिंग ली है, मैग्नेट कंपस लिया है, और शीट ऑफ वाइट पेपर एंड टेप लिया है, एडहेसिव टेप. स्टिक द शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द टेबल. क्या करा इन्होंने? टेबल पे चिपका दी, वाइट शीट चिपका दी. देखो मैं कैसे पढ़ाती हूँ, समझने की कोशिश करो, कोई भी बुक समझ जाओ. स्टिक द शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द टेबल एंड प्लेस द मैग्नेट कंपास ऑन. ऊपर खाली हमने मैग्नेटिक कंपास रख दिया. एनश्योर दैट नो मैग्नेट और नो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज केप्ट नियर द कंपास. उस कंपास के पास और कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए. मेक मार्क द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस ऑन द पेपर. पेपर पे आप नॉर्थ और साउथ मार्क कर लो. क्या कर लो? टाई वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द मिडिल पोर्शन ऑफ द मार्क मैग्नेट. बार मैग्नेट के मिडिल पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में क्या करना है? हमने एक स्ट्रिंग बांधनी एंड द अदर एंड टू द रूलर. क्या समझ आया? वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग
टू द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के बीच में एक स्ट्रिंग बांधनी है क्या, टाई वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एक एंड ऑफ द स्ट्रिंग तो यहाँ बांधना है, दूसरा एंड कहाँ बांधना है, वुडन स्टिक के ऊपर. क्या करना है, वुडन स्टिक के ऊपर. तो एक तो हमने क्या किया, बार मैग्नेट के बीच में मारा है और एक वुडन स्टिक में, तो लंबा हो गया ना. इतनी लंबी दूरी होनी चाहिए कि कम से कम 6 से 8 इंच स्टिक आउट हो जाए. देखो कितना अच्छी हो गया, स्टिक आउट क्या है. प्लेस द रूलर ऑन द टेबल सो दैट द एंड टाइड टू द मैग्नेट स्टिक्स आउट, टू द मैग्नेट स्टिक्स आउट अबाउट 6 to 8 inches बियॉन्ड द एज ऑफ द, बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल मतलब टेबल के एज पे, एज से साइड पे. क्या, प्लेस द बुक ऑन द रूलर सो दैट इट डज नॉट स्लिप ऑफ द, बुक रख दो टेबल पे ताकि वो स्लिप ऑफ ना हो जाए. क्या ना हो जाए, स्लिप ऑफ. मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन मूव फ्रीली, लीव द मैग्नेट अनडिस्टर्ब फॉर अ वाइल, अब मैग्नेट को कोई नहीं छोड़ेगा छेड़ेगा. एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन, कंपेयर दिस विद द डायरेक्शन यू हैव मार्क ऑन द पेपर, गिव द मैग्नेट अ ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब वापस घुमाओ. And again observe the direction in which it comes to rest. You will see that the magnet always comes to rest in a particular direction, that is north and south, not south. Conclusion, it is a freely if a freely suspended magnet is allowed to rotate, it is allowed to rotate. It will come to rest such that it is aligned in the north south direction. Clear? We are about to complete the chapter in next 10 minutes. Do you know why a freely suspended magnet always points in the earth's north and south only direction? It behaves, बैठ जाओ आप यहाँ पे, बैठ जाओ आपकी तबीयत ठीक नहीं. It behaves like it is under the influence of another magnet. ऐसा लगता है कि हमारा जो magnet है वो किसी और magnet के influence में है. Influence का मतलब समझते हो, मानोगा वर्षा मैम से influenced हो तो आप बहुत सारी reading करोगे. इन्फ्लुएंस मतलब आपको उनकी हर बात मानने का मन करता है, आपको उनके जैसा बनने का मन करता है. जैसे अगर आपको शाहरुख खान बनना है या यानी क्रिकेटर धोनी वोनी बनना है, तब उनसे इन्फ्लुएंस रहते हो, तब उनकी हर चीज़ को कॉपी करते हो और उनकी बातों को सुनते रहते हो. तो ऐसा हमें ऐसा लगता है कि वो किसी और मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए वो हमेशा नॉर्थ साउथ रहता है. बट वेयर इज़ दिस अदर मैग्नेट, तो ये दूसरा मैग्नेट कहाँ है जिसके इन्फ्लुएंस में ये रहता है. इट इज़ द अर्थ itself, earth खुद एक magnet है. This alignment happens because of the influence of the earth. ये north south क्यों होता है, because of the influence of the earth which itself acts like a giant bar magnet. So earth is a giant, is very very big, giant is very so very earth big. Is a giant bar magnet. Earth is a giant bar magnet. Earth is a giant bar magnet. It influences all the magnets within its region of influence. इतना वो influence कर सकता है to align themselves along in its north-south direction. When two magnets are brought close to each other, they are either pulled towards each other, या तो दोनों एक तरफ की तरफ attract होंगे, या they will be pushed away from each other. Either pulled towards or pushed away. Pulled towards, pushed away. Again. When the magnets are pulled towards each other, they are said to attract each other. When they are pushed away from each other, they are said to repel each other. Whether the magnet attracts or repels depend on the poles of the magnet that are facing. Poles decide करते हैं कि magnet attract होगा या repel होगा. Magnet attract होगा या repel होगा. When like poles मतलब north, north, south, south are brought close to each other, दोनों north pass आ गए, दोनों north pass आ गए, तो they will repel. They will repel. This is called repulsion. This is called repulsion. They will repel. They will repel. And this is called repulsion. When unlike poles, जैसे north south pass में आ गए या south north pass हो गए तो they will attract. This is called attraction. This is called attraction. Have you heard of trains that do not have wheels? These trains called maglev have special arrangement of magnets that enable them to float over the track. They do not have wheels. They float over the track. Very nice word. They float over the
track. They float over the track. They do not have wheels. They have special arrangement of magnets which allow them to float over the track. Experiencing minimal friction. Friction आपने पढ़ाई था, minimum मतलब सबसे कम friction वो चीज़ होती है जो opposite direction में work करती है और किसी भी चीज़ को आगे चलने से रोकती है. Maglev stands for magnetic levitation. Very important. Maglev stands for magnetic levitation. It makes use of the principle that like poles repel and unlike poles attract to lift themselves from the tracks leading. Wow. To lift themselves from the track leading to a speed as high as 603 kilometers per hour, a new record that was made in April 2015. Do you understand? Yes. There are two types of magnet. One is temporary and one is permanent. Magnets that retain their magnetic properties, जो अपने अंदर magnetic properties को पकड़ के रखते हैं only for a short period of time is called temporary magnet. Very important. Retain their magnetic properties. Magnets that retain their magnetic properties for a long period of time are called permanent magnets. Temporary magnets are usually made of iron, cobalt, or nickel. These metals behave like magnets only when they are near a very strong magnet. ये कब बिहेव करते हैं मैग्नेट के जैसे? व्हेन दे आर नियर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास हो, आयरन, कोबाल्ट और निकल. दीज दे क्विकली लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज रिमूव्ड. अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का इन्फ्लुएंस निकाल दिया जाए तो दे विल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. Permanent magnets are made from mixtures of iron, cobalt or nickel with other materials. How are permanent magnets made? With the mixture of iron, mixture, nickel and other. It is a mixture of iron, cobalt or nickel with other materials. They make strong magnets and they always return their magnetic properties. They always retain their magnetic properties for a long time. Aim to make a magnet. Now you have to make a magnet of your own. How will you make it? Make a magnet. Now you need a needle, either a steel needle or either a iron needle. Needle मतलब पता है क्या होती है? सुई. A magnetic compass, small pins, and that pins should also be made of iron, and a bar magnet. कैसे बनाना है? Needle को table के ऊपर रखो. Place the needle on the table. Rub the magnet along the length of the needle. रब जो लेंथ ऑफ द नीडल है उसके ऊपर तेज मैग्नेट को रब करो. क्या करो? अलोंग द लेंथ है पूरी नीडल के ऊपर उसको रब. स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द नीडल दैट इज एंड ए. व्हेन यू रीच द अदर एंड ऑफ द नीडल लिफ्ट द मैग्नेट एंड स्टार्ट अगेन एट द एंड. जब तुम दूसरे एंड पॉइंट पे पहुंच जाओ वापस रब करना शुरू कर दो ए से, मतलब इधर से इधर बार बार इसको रब करते रिपीट जितनी बार कर सकते हो उस प्रोसेस को करो. कुछ नहीं मार मैग्नेट को, आपको रगड़ना है उस नीडल के ऊपर. कीप द बार मैग्नेट अवे एंड ब्रिंग अ मैग्नेटिक कंपास नियर द नीडल. अब आपने क्या करा? नीडल को मैग्नेटाइज कर दिया. क्या कर दिया? क्योंकि बार बार मार मैग्नेट को रब करके नीडल को मैग्नेटाइज. अब कोई और चीज ले आओ नीडल के पास. सी इफ इट डिफ्लेक्ट्स द कंपास नीडल. डिफ्लेक्स मतलब क्या? वो नीडल को बदल सकती है, कंपास के नीडल को चेंज कर सकती है. इफ इट डज नॉट रिपीट स्टेप टू. रिपीट स्टेप टू मतलब वापस जब करो. इफ इट डज योर नीडल हैज नाउ बीन मैग्नेटाइज्ड. योर नीडल हैज बीन ब्रिंग द नीडल क्लोज टू सम आयरन पिंस. दे विल बी अट्रैक्टेड टू द न्यूली मेड मैग्नेट. द आयरन पिंस विल गेट अट्रैक्टेड. दिस इज वे यू मेक अ मैग्नेट. कुछ नहीं करना था मैग्नेट को. क्या करना था? रब करना था. देखना था वो डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं. केयर ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट कैन लूज इट्स प्रॉपर्टीज ड्यू टू द फॉलोइंग एक्टिविटीज. ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट. अगर आप मैग्नेट को ऊपर से छोड़ देते हो हाइट से तो अपनी प्रॉपर्टी वो खो देता है. हिटिंग विथ हार्ड ऑब्जेक्ट सच एज हैमर. अगर आप हैमर से मारोगे तो भी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा. अप्लाइंग हीट. गर्मी से भी लूज कर देता है. इमप्रॉपर स्टोरेज कैन कॉज लॉस ऑफ मैग्नेटिक. अगर आप उसको ढंग से स्टोर नहीं करते
हो. बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स. हमेशा उनको पेयर्स में स्टोर किया जाता है. किसमें? पेयर्स. विद अनलाइक पोल्स अलोंग साइड ईच अदर. हमेशा अनलाइक पोल्स साथ में रखने चाहिए. नॉर्थ और साउथ साथ में रखने. नॉर्थ और नॉर्थ साउथ में नॉर्थ और नॉर्थ साथ में नहीं रखना चाहिए. नॉर्थ और साउथ अनलाइक पोर्शंस को साथ में रखना चाहिए. हॉर्सशू मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड विथ अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन केप्ट अक्रॉस इट्स पोल. वेरी इंपॉर्टेंट. हॉर्सशू मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड. हॉर्सशू मतलब यू शेप वाला था ना. विथ अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन. उसके साथ क्या रखना पड़ेगा? एक छोटा सा आयरन. केप्ट अक्रॉस इट्स पोल्स. अक्रॉस मतलब पोल्स के पास रखा हुआ होना चाहिए पूरा. अक्रॉस का मतलब क्या होता है? द कैट रैन अक्रॉस द ब्रिज. मतलब पूरे ब्रिज से इधर से उधर गई. यही तो होता था अक्रॉस जब हम इंग्लिश में पढ़ते थे. यहाँ पर अक्रॉस क्या होगा? अगेन रीड करो. अक्रॉस क्या होगा? अ हॉर्सशू मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड विद अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस इट्स पोल्स. पूरे पोल्स के पास एक हॉर्सशू मैग्नेट रखना. तो इससे आपका मैग्नेट खराब नहीं होगा. सॉफ्ट आयरन. आयरन दैट इज लो कार्बन कंटेंट. हम सॉफ्ट आयरन का मतलब क्या? वाई आयरन नॉट सॉफ्ट आयरन? ऐसा आयरन जिसमें कोबाल्ट की मात्रा, जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो. लो कार्बन कंटेंट. क्या हो? लो कार्बन. कैन इजली लूज और गेन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. और ऐसा जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को या तो जल्दी से लूज कर दे या अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जल्दी से गेन कर ले, उसे सॉफ्ट पीस कहते हैं. यूज ऑफ मैग्नेट्स. क्रेडिट कार्ड्स, आपके जो एटीएम कार्ड्स हैं, आपके जितने भी आइडेंटिटी कार्ड्स बनते हैं, उनमें एक स्ट्रिप होती है मैग्नेटिक मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती. तभी पापा मेरे को बाल के जाना कि आपको पता है ये स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल क्या करती है? क्या करती है बताओ? सबके एटीएम कार्ड में होती है, हम रोज़ यूज़ करते हैं. ये आपकी